सो हेलो एंड नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। जन्मना जायत सुद्रहा संस्कारात्मक ज्योत जले, अर्थार्थ ये कि जैसे जैसे हमारे दोस्त हैं ना, जैसे आपके दोस्त हैं, हमारे हैं, किसी के अदर हैं, जिन लोगों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हो 24 घंटे में से 10 12 घंटे, 2 घंटे, आधा घंटे, जो भी है, ए टू जेड हम उन्हीं की तरह बन जाते हैं भविष्य के लिए, कुछ टाइम के लिए। सही है कि गलत है? कहावत है कि ज्ञानी से बल ज्ञानी मिले बड़े बल ज्ञान, ज्ञानी से बल ज्ञानी मिले बड़े बल ज्ञान, और मूर्ख से बल मूर्ख मिले पड़े दो घुसा दो लात। अर्थात ये आप समझ गए हैं कि अच्छे आदमियों के साथ रहेंगे, विद्वान महावीरों के साथ रहोगे तो आप वैसे बन जाएंगे। अगर आप ऐसे लड़ाई झगड़ा करने वालों के, दिन रात माँ बहन ऐसे तैसे करने वालों के साथ रहोगे, हमेशा उल्टी सीधी नेगेटिव पॉजिटिव बात को नेगेटिव ले लेना, इन्हीं लोगों के संपर्क में रहेंगे या आपके ये दोस्त फ्रेंड रहेंगे या फैमिली से या अदर से कहीं से भी हो, तो आपका भविष्य भी, आपका विचार भी वैसे थॉट प्रोसेस होके निकलेंगे आपकी जिंदगी में। तो आप लोगों में से, आप मेरे प्रिय मित्र कौन हैं जो आप लोगों में से सीखा मैंने, ये कमेंट में बताना, वेट कर रहा हूं मैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पर क्लिक करके घंटी का बटन ऑन कर देना, ताकि आगे आने वाली पावरफुल वीडियो आप लोगों से मिस ना हो कभी भी। इस चैनल पे कई वीडियो बन चुकी है हमारी पावरफुल, लेकिन पावरफुल होने से कुछ नहीं होता, अगर डेली यूज करोगे ना, हम किसी चीज को अगर डेली यूज करते हैं, डेली उसका यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक, तभी जाकर कुछ समय तक असर करता हुआ अपने दिमाग में या भविष्य में या अपना जिंदगी में, बाकी और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहावत है, ऊपर वाला कहता है कि तू करता वही जो तू चाहता है, और होगा वही जो मैं चाहता हूं। तू करता वही जो तू चाहता है, होगा वही जो मैं चाहता हूं। तो जो मैं चाहता हूं वो तू करता है, जो मैं चाहता हूं वो तू करता है, तो होगा वही जो तू चाहता है। कैसा लगा ये पावरफुल डायलॉग कमेंट में बताना, अच्छा या बुरा? इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको जरा छोटा सा एक स्टोरी बताना चाहता हूं। स्टोरी यह है कि पहले आपको क्लियर करता हूं, ताकि कुछ गुरुजन ऐसी शिक्षा देते हैं किसी विद्यार्थी को या किसी को भी, तो उसमें से एक ऐसा विद्यार्थी होता है कि वो अपना इतिहास बनाता है, कुछ इस प्रकार के उसका गुणगान और बखान करता है खुद का और गुरुजनों का। तो इस कहानी को डिटेल में फर्स्ट क्लास पीछे होके सुने आप मेरे साथ, तो बने रहे मेरे साथ। एक नगर में एक राजा था, एक नगर में एक राजा था, उसके बहुत सारे खेत थे, उसको बचपन से खेती करने का बहुत शौक था। तो उसने क्या किया, कुछ सालों के बाद उसके खेती में उसने खेती करना बंद कर दिया। उसने सोचा कि बहुत हो गया खेती, अब कुछ समय के लिए मैं
अपनी धरती माता को रेस्ट देना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। तो ठीक ठीक सोचा उसने, उस राजा ने भी। तो फिर कुछ सालों बाद उसने फिर प्रैक्टिस के उसी खेत में धन उगाने के। तो कुछ समय के बाद उसने फिर चालू किया धन, उसने फिर चालू किया धान बोना अपने खेतों में, अपने सारे खेतों में धान बोना चालू किया। तो पहले साल उसने धान जब बोए ना, धान जब बोए पूरे खेतों में, तो कहीं नहीं धान का एक बीज भी उत्पन्न नहीं हुआ। उस साल बहुत मेहनत की उसने, अपने खेतों की निराई गुड़ाई सिंचाई क्या क्या नहीं किया उसने, बहुत पालन पोषण किया उनका, दिन रात डटा रहा बेचारा। उस साल नर्वस होके बेचारे को दुखद घटना झेलनी पड़ी उस साल, उस राजा को, कि ए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो फिर उसने रिपीट वही किया दूसरे साल, कि अब की बार दूसरा धान बो के देखता हूं मैं क्या होता है, अब की बार फिर हो जाए क्या पता, ऊपर वाले चाहे तो जरूर होगा। तो उसने फिर प्रैक्टिस किया, फिर धान दूसरे साल धान का एक दिन का हुआ था, एक दिन का हुआ था, हवा आई तूफान आया, जंगल के बहुत सारे जानवर आए, उन्होंने ऐसी तैसी करके खेतों के नाश कर दिया और चले गए अपने गुफाओं में, अपने जंगल में मजे से। दूसरे साल भी उसको निराश रहना पड़ा, उसको बेचैनी हो गई, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, मेरे को जबकि बचपन से आदत पड़ी थी, हैबिट पड़ी थी मेरे को खेती करने की, मेरे धरती माता मुझे भी अन्न बहुत अच्छी तरह दे रही थी, पर अब की बार ऐसे क्या हो रहा है मेरे साथ। उसका दाना पानी भी, उसका पूरा दाना पानी पानी भी खत्म हो गया। फिर तीसरे साल उसने अपने फ्रेंड्स अदर गांवों से उन्होंने इकट्ठा किया कुछ दाना, फिर जाके उसने अपने खेतों में जाके बोए, सिंचाई गुड़ाई अच्छी तरह किया। तो केवल तीसरी साल में केवल दो बीज अंकुरित हुए, केवल दो बीज ही अंकुरित हुए। तो उसने बहुत अच्छी तरह उनका पालन पोषण किया, सिंचाई गुड़ाई वगैरह सब कुछ अच्छी तरह पूरी सेवा की उनकी, बड़े हो गए, पेड़ दाना लग गया, फल फूल फलदार होने लग गए। उन्होंने राजा ने खेती काटी और घर लेके फर्स्ट क्लास धान को बोया, खाया पिया मस्ती में, पूरे गांव गांव में मोहल्ले में पूरी सिटी में बांट के खाया। तो जो भी है, तो जो भी था उसका परिश्रम का नतीजा था। अब इस कहानी से माध्यम से आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। कहानी छोड़ो, पीछे छोड़ो, कहानी जो भी था वो पीछे छोड़ो, पर लेकिन इस बारे में मैं आपको इस समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि उसमें से जो हमारे जो बीज थे, बोने वाला जो राजा था, उनमें से हमारे गुरुजन थे, या हमारे पेरेंट्स से माता पिता, या मेरे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने परिश्रम किया बचपन से लेकर अभी तक, जिन्होंने हर दुख सुख में सपोर्ट किया, हमारे को शिक्षित किया, आगे लेकर आए। और दूसरी बात, जो बीज अंकुरित हुए थे ना, उसमें से वो कौन थे, वो हमारे खुद स्वयं हम हैं, अर्थात जो घर के फैमिली के बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, कहीं से भी हैं,
जो एजुकेशन लेना चाहते हैं वो इस नए अंकुरित के भांति जो बीज है वो शिक्षित है। तो क्या आपको इस तथ्य पर आपको क्या लगता है, जो हमारे गुरुजनों ने किसी ने भी जो शिक्षा दी हमारे को, क्या उनमें से हम में से कोई एक ऐसा बीज है, एक ऐसा नन्ना सा पौधा है जो खिलकर इस युग में अपना इतिहास रचना चाहे? अगर आप में से कोई है तो कमेंट में बताना, हम भी जानना चाहते हैं, हम भी आपसे सहयोग लेना चाहते हैं, हम आपके सपोर्ट में रहना चाहते हैं, क्योंकि गुरुजनों की माँ बापों की किसी भी शिक्षा असफल नहीं होती है, केवल असफल होता है करने वाला, उसको ज्ञान को लेने वाला वही असफल होता है। तो इस कहानी के माध्यम से आपको मैंने एक छोटी सी स्टोरी बताई है, आपको ज्यादा ना टाइम लेते हुए अगर आपको ये स्टोरी ये नॉलेज आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर आपको बहुत ही मजा आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप जानते हैं कि इस नॉलेज को ऐसी नॉलेज की हमारे दोस्त को किसी औरों को भी जरूरत है तो आगे जाके शेयर कर देना। और बताओ आपको किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करते हो, कमेंट में बताना। और आपका पूरे वीडियो में आपको सबसे अच्छा और बुरा क्या लगा कमेंट में भी बताना है। हाँ मेरे प्रिय फैमिली, मेरे प्रिय दोस्त, आप लोगों में से बहुत ऐसे जने हैं कि जो सुनते हैं कान से और दूसरे कान से निकल जाते हैं, अर्थात देखते हैं छोड़ छाड़ के बीच बाड़े कहीं पे भी निकल जाते हैं, कोई जवाब कमेंट नहीं देते हैं। क्या उनमें से आप हो? तो चलो कोई नहीं, मन में तेरे से आ गया, अब बुरा मत मानिए। तो जो आपको अच्छा या बुरा लगा कमेंट में बताना। तो मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।